Now we are starting with 1.6 pollination. In that, a remaining part, that is a type of pollination. In last lecture, we have seen a first type, that is autogamy. And for autogamy, there is a different type of adaptation in a plant, like Chasmogamous flower, bisexuality, and Cleistogamous flower. Okay, so in last lecture, we have completed that topic. Now we will see a second type of pollination. The name of this pollination is called as a genotogamy. Okay, genotogamy. Now, what's the meaning of this? So this is similar with the cross pollination. ये जो है part, ये cross pollination से थोड़ा सा similar. Okay, so now what's the meaning of that? It is a transfer of pollen grain to a stigma of different flower produced on a same plant. देखो यहाँ पर हमने autogamy में क्या देखा? हमने autogamy में देखा एक ही plant में एक flower में एक ही flower का जो stigma है वो उसी flower की एक ही flower का जो pollen grain है वो उसी flower के stigma के ऊपर अगर deposit होगा. So this condition मतलब एक ही flower का pollen grain को एक ही फ्लावर का स्टिग्मा उसी फ्लावर का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होगा. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ऑटोगामी. नाउ व्हाट वी हैव सीन इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ही प्लांट है बट एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर है और एक प्लांट का स्टिग्मा ओके यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरे फ्लावर का एंथर या जाने कि वहां पर पॉलिन ग्रेन फॉर्म होगा. सो ये पॉलिन ग्रेन एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे डिपॉजिट होगा बट दोनों भी फ्लावर एक ही प्लांट के है सेम प्लांट के है. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट इज अ जीटोनोगामी पॉलिनेशन. ओके सो दिस इज कॉल्ड एज अ जीटोनोगामी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, ये कंडीशन में क्या होता है? तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि वहां पर हमने एक ही फ्लावर में ट्रांसफर होते हुए देखा पॉलिनेशन. यहाँ पर एक ही प्लांट के जो अलग अलग फ्लावर है उसके अंदर अगर ट्रांसफर होगा तो ये वाला कंडीशन. नाउ दिस कंडीशन इज फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन एज इट इन्वॉल्व्स अ पॉलिनेटिंग एजेंट बट कैनॉट ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज इट इज ओनली ऑफ इकोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन. एग्जाम्पल इज कुकुरबिटा मैक्सिमम. ओके भोपड़ा वगैरह सब लोग खाए होंगे तो वो जो भी एग्जाम्पल है दैट इज कुकुरबिटा जो भी है ऐसे प्लांट के अंदर ये होने के चांस है. नाउ तो डिफरेंस क्या है, देखो हमने जो ऑटोगामी लिया था वहां पर एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं लगते यानी कि जो हनी भी है एयर है वॉटर है तो ये सब पॉलिनेटिंग एजेंट वहां पर नहीं लगते एक्सटर्नल एजेंट. बट अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे so you can see that genotogamy में उसी प्लांट का एक फ्लावर है और उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर में ट्रांसफर होगा तो इसके लिए हमको हनी बी बैड या तो फिर जो भी बैड वगैरह है ऐसे टाइप के हमको एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है. सो एजेंट्स आर रिक्वायर टू ट्रांसफर अ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द नेक्स्ट फ्लावर. नाउ इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आएगा क्या? नहीं आएगा बिकॉज दोनों भी फ्लावर एक ही प्लांट के हैं तो जो गैमेट है उसके अंदर जो क्रोमोसोम रहेगा वो भी तो एक ही पेरेंट्स का रहेगा. सो जो जेनेटिक वेरिएशन है वो आने के चांसेस यहाँ पर भी नहीं है. ओके सो नो जेनेटिक वेरिएशन इन दिस ऑफस्प्रिंग. ओके नया जो प्लांट फॉर्म होगा उसके अंदर सीड में जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिले. नाउ सो फिर इसका यूज क्या है? सो दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. नंबर जो भी है इनके बहुत हाई है और नॉर्मली इजीली आपको जो भी है ये सीड वगैरह जो भी है वो मिल जाएंगे और ये प्लांट वगैरह आपको ग्रो होने के लिए मिल जाएंगे. सो दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन इनका जो भी है ये मेन पार्ट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इट इज सिमिलर टू ऑटोगामी एज द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम सेम. ये ऑटोगामी से सिमिलर ही है बट ऑटोगामी में एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होगा. यहाँ पर एक ही प्लांट के दो फ्लावर में क्या होगा? पॉलिनेशन हो रहा है. तो ये थोड़ा ऑटोगामी से सिमिलर है बट पूरा का पूरा सिमिलर नहीं. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट इज जिटनोगामी टाइप ऑफ पॉलिनेशन. नाउ वी विल सी अ थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन
that is xenogamy, which is also called as a cross-pollination, and another name is outbreeding. Artificially भी हम लोग इसको करते हैं, so that is called as a, इसको outbreeding भी बोल सकते हो, cross-pollination भी बोल सकते हो, या तो xenogamy भी बोल सकते हो. Now what's the meaning of this? It is a type of cross-pollination. Okay, it is a type of cross-pollination when a pollen grain of one flower is deposited on stigma of a flower of different plant belonging to the same species with the help of pollinating agent. You can see in this part. आप लोग ये pictures में देख सकते हो. You can see in this picture कि ये जो है ये एक plant है, ये दूसरा plant है, ये तीसरा, तीन अलग अलग plant. But तीनों भी plant एक ही species. प्लांट का जो स्पीसीज है वो एक ही है, बट तीन अलग अलग प्लांट है. तीन अलग अलग प्लांट पे फ्लावर भी क्या है, उस प्लांट के अलग है. सो ऐसे में क्या हो रहा है, एक प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के और स्टिग्मा पे डिपॉजिट होगा. तो यहाँ पर दो फ्लावर अलग अलग प्लांट के हैं, बट दोनों का स्पीसीज एक ही है. सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज अ क्रॉस पॉलिनेशन, ज़ेनोगामी एंड आउटब्रीडिंग. But for this type of cross-pollination, they requires a pollinating agent. Because एक plant दूसरे plant से कितना दूर है ये हमको नहीं पता. So ultimately ऐसे type के pollination के लिए हमको क्या लगेगा, so we want a pollinating agent. You can see that यहाँ पर जो pollinating agent है वो honey bee. So honey bee when they are seated on this flower, so ultimately जो pollen grain है वो उनके legs में stick हो जाएगा. And when they are transferred to a next flower on a stigma, जब वो stigma के ऊपर बैठेंगे तो उनके legs का जो भी pollen grain है वो उस flower के stigma के ऊपर deposit. So this is called as a cross. Now the next part. Generate a genetically varied offspring. अब देखो यहाँ पर क्या है, जो plants है वो अलग अलग है, मतलब एक plant का genes और दूसरे plant का gene chromosome अलग अलग होगा. मीन्स ऑफस्प्रिंग यानी कि जो नया सीड फॉर्म होगा या नया प्लांट फॉर्म होगा उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होने के चांसेस ज्यादा. सो देयर इज अ जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ पर जेनेटिकली वेरिएशन आपको मिल जाएगा ऑफस्प्रिंग के. नाउ मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट डिपेंड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन. ज्यादातर जो भी प्लांट है वो क्रॉस पोलिनेशन में किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट के ऊपर क्या रहेंगे, डिपेंड. वर्चुअली ऑल सीड प्लांट नीड टू बी पॉलिनेटेड. ज्यादातर वर्चुअली जितने भी सीड प्रोड्यूसिंग जो प्लांट है वो क्या है, उनके अंदर पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी, यानी कि पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी. मोस्ट ऑफ द फूड एंड फाइबर क्रॉप्स ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड डिपेंड ऑन पॉलिनेटर्स फॉर रिप्रोडक्शन. ओके, वर्ल्ड के अंदर जितने भी टाइप के फाइबर्स वाले क्रॉप है या तो फूड वाले क्रॉप है, फिर वो आप लोग राइस ले लो वगैरह वगैरह कुछ भी ले लो. सो ऐसे जितने भी प्लांट है, सो वो मोस्ट ऑफ यो फूड हो या तो फ्लावर्स हो वगैरह वगैरह जो भी हो, तो उनके अंदर याद रखना कि पॉलिनेटर्स जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट ज़ेनोगामी, and which is also called it as a cross pollination and outbreeding. Okay, so now if you have